हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गार्डनिंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, गार्डनिंग से रिलेटेड हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही क्लिक करें बेल आइकन पर, जिससे आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, सर्दियों का सीज़न मतलब फूलों का सीज़न, अपने गार्डन में अनेक रंगों को भरने का सीज़न। सच में दोस्तों, आजकल मैं जिस भी नर्सरी पे जाता हूँ तो दिल करता है कि सारे के सारे प्लांट में खरीद के ले आऊँ, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज मैं नर्सरी पे गया था तो वहाँ मुझे कुछ प्लांट काफ़ी अच्छे लगे तो उन्हीं में ले आया हूँ। तो मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों से भी शेयर किया जाए, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आज मैं ये सारे प्लांट मैं आज ही ले आया हूँ, क्योंकि मैं लाना तो और भी प्लांट चाहता था लेकिन बाइक से मैं कितने ही प्लांट ले आ पाया। ये देखिए दोस्तों, ये एक स्टेप रोज मुझे काफ़ी अच्छा लगा जिसमें येलो कलर के फ्लावर लगे हुए हैं, तो मैं इसे ले आया हूँ। और आज मैं 3 रोज प्लांट ले आया हूँ, जिसमें एक प्लांट ये है जिसमें सिंदूरी रंग के फ्लावर लगे हुए हैं जो मुझे काफ़ी प्यारे लग रहे थे देखने में, तो इसे भी मैं ले आया। वैसे उसके पास काफ़ी कलर अवेलेबल थे गुलाब के, लेकिन मुझे 3 कलर काफ़ी अच्छे लगे, क्योंकि पहले भी मैं कुछ प्लांट ले आ चुका हूँ तो ये 3 कलर के प्लांट मेरे पास नहीं थे। और ये इसमें येलो कलर के फ्लावर आएंगे, एक फ्लावर इसमें लगा हुई है इसमें, जो 2-4 दिन में खिल जाएगा। और मधु गुलदावदी का प्लांट भी ले आया हूँ वहाँ से। हालांकि मेरे पास गुलदावदी थे, मैं इसके पहले भी 2-3 प्लांट ले आया था, तो ड्वार्फ वैरायटी थी वो, लेकिन ये लंबी वाली वैरायटी है जिसमें बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के फूल आते हैं। इसमें फ्लावर कम आते हैं लेकिन जितने भी आएंगे वो बड़े साइज़ के आएंगे। इसमें एक है, मुझे देखने से लग रहा है कि इसमें येलो और रेड मिक्स फ्लावर आएंगे, और एक ये है इसमें सिर्फ रेड कलर के फ्लावर आएंगे। तो 2 प्लांट में गुलदावदी के लिए आया हूँ। और ये है दोस्तों येलो कलर का गजनिया, जो कि मुझे मेरे ख्याल से 30 रुपये का मिला है। और यह है रेड कलर का डेंथस, सिंगल पैटर्न के फ्लावर आते हैं इसमें, और ये पिंक और वाइट मिक्स है डेंथस, इसे बेबी डेंथस भी कहते हैं क्योंकि इसके फ्लावर काफ़ी छोटे होते हैं। और दोस्तों, ये एक ब्लड वैरायटी का डहलिया है जिसमें रेड कलर के फ्लावर आएंगे, इसमें एक बटन लगा हुआ है। और एक गजनिया का फ्लावर प्लांट जो जिसमें मिक्स कलर में फ्लावर आएंगे। और यह है दोस्तों साल्विया, जिसमें मुझे देखने से लग रहा है कि इसमें ग्रीन कलर के फ्लावर आएंगे जो बहुत ही लाइट ग्रीन है। और एक ये भी साल्विया ही है, इसमें रेड कलर के डार्क रेड कलर के फ्लावर आएंगे। तो मैं 2 साल्विया के प्लांट ले आया हूँ। वैसे साल्विया में काफ़ी कलर थे उसके पास, लेकिन मुझे 2 कलर अच्छे लगे इसलिए मैं 2 ही ले आया। और दोस्तों, ये है डिफिन वेकिया, जो काफ़ी मुझे दिखने में काफ़ी प्यारा लगा और मेरे पास था भी नहीं। काफ़ी हेल्दी प्लांट है, तो एक प्लांट मैं इसका भी ले आया हूँ, और मुझे काफ़ी कम कीमत पे मिल भी गया। मेरे ख्याल से शायद 100 रुपये के आसपास मिला है मुझे। और दोस्तों, यह है चाइना पाम, चाइना पाम में भी मुझे काफ़ी कम रेट पे मिल गया तो इसे भी मैं ले आया हूँ। ये भी मेरे ख्याल से मुझे 80 रुपये का मिला है।
मुझे ढंग से याद नहीं, लेकिन 100 रुपये से कम में ही मिला मुझे प्लांट। और दोस्तों ये देखिए, ये है फाइकस पांडा, जिसके लीव्स बहुत ही मोटे और बहुत ही चिकने होते हैं, देखने में जो बहुत ही ग्रीन और बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ये प्लांट मुझे देखते ही पसंद आ गया, बट इसका प्राइस कुछ ज़्यादा मुझे लग रहा था, मुझे 200 रुपये बता रहा था इसका नर्सरी वाला, बट फाइनली मैं इसे 170 में ले आया हूँ। हालांकि ऑनलाइन इसके रेट काफ़ी, लगभग ऑनलाइन आपको 300-350 रुपये मिलेंगे, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो इस समय आपके आसपास के नर्सरी पे सारे प्लांट मौजूद होंगे और आपको काफ़ी कम प्राइस पे वहाँ मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज मैं यही प्लांट ले आया था, तो मैंने सोचा एक बार आपसे शेयर कर लूँ, और आगे मैं इस पर डिटेल वीडियो आपको देता रहूँगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।